तो दोस्तों आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल के लिए एक अच्छा सा चैनल आर्ट बना सकते हो जो बिल्कुल दिखने में एकदम प्रोफेशनल लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा चैनल आर्ट है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसे कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तीन चार स्टेप है जिसे आप फॉलो करके इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको गूगल पे क्या करना है, कैनवा लिखना है। यहाँ पर जैसे आप कैनवा लिखिएगा, इंटर कीजिएगा, यहाँ पे कैनवा ऑनलाइन डिज़ाइन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, गेट कैनवा फॉर फ्री करना है। और सबसे पहले आपको इसके ऊपर साइन अप कर लेना, मतलब रजिस्टर कर लेना है ताकि जो भी आप डिज़ाइन बनाएं वो आपका सेव हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है तो मेरी जो भी डिज़ाइन है यहाँ पे सारी सेव है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप यहाँ पे सर्च करना है चैनल आर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारा चैनल आर्ट आ जाएगा, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, म्यूज़िक के लिए हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल पे सर्च करते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट पे, जिससे सारा चैनल आर्ट हमें दिखने लगेगा जो विजिबल हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा चैनल आर्ट आ चुका है। तो अब आपको चूज़ करना है आपके चैनल के हिसाब से कि कौन सा चैनल आर्ट आपके चैनल के हिसाब से सुटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने चूज़ किया था कि जो फ्री है मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम इमेजेस को भी कैसे यूज़ करें कैनवा के, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे प्रीमियम पेड इमेजेस को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। पर फिलहाल जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इसे यूज़ किया है, इसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब सिंपल है, लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपको इसे इधर उधर नहीं करना है, इसका जो जहाँ पे ये फिक्स है उसे वहाँ पे ही रहने दें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, इसे अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी ऊपर नीचे करूँगा तो ये फिर शायद सही नहीं दिखेगा मेरे YouTube पे। इसलिए जो चीज़ जहाँ पे उसे वहीं पर रहने दें। इसकी साइज़ बिल्कुल फिक्स है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और इसके एलिमेंट के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, नाम चेंज करते जाना, जो भी आपको नाम रखना है, ठीक है। जैसा, और मैंने एक चीज़ क्या किया यहाँ पे, मैंने एक इमेज को यूज़ किया यहाँ पे, इलस्ट्रेशन इमेज, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रेडियंट है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करना है। मैंने क्या किया, इसे उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया है क्योंकि चैनल आर्ट में तो पूरा दिखेगा नहीं, वो तो यहाँ तक ही दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और मैंने यहाँ पे एक इमेज का यूज़ किया है, तो आपको हो सकता है कि एक बार इमेज लगाने के बाद हो सकता है वो थोड़ा कट जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए इमेज, तो ये दिखेगा नहीं, हो सकता ऊपर चला जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक बार लगाने के बाद आप चेक कर ले कि कहाँ तक आपको इमेज डालना है, एक अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे लास्ट जो इमेज का है मेरा, वो जो मेरा नाम है ये यहीं तक दिखना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे यहीं तक रखा इमेज को, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा इमेज है देखिए, जो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा थंबनेल है आप कहीं पर भी कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, और फिर इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में जाना है, जो भी पेज आपको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।